हे गाइस, वेलकम बैक मेरे चैनल में। आप लोग कैसे हो? तो आज मैं बात करने वाली हूँ शादी मेकअप। शादी यदि में हम जाते हैं तो हम किस तरीके का हेयर स्टाइल करें जो बहुत ही आराम से और बहुत जल्दी भी बन जाए और उसके बाद हम बहुत अच्छे भी दिखें। तो बहुत ही कम बजट में आप बना सकते हो। आपको ऐसा नहीं है कि पार्लर जाना पड़ेगा, हमारे पास टाइम नहीं है, या फिर क्यों कोई इन्वेस्टमेंट करे पार्लर के लिए। तो आज मैं बताने वाली कुछ ट्रिक नहीं बताऊंगी, एक्चुअली मैं आपको पूरा हेयर स्टाइल ही करके बता रही हूँ, जो अगर आप ट्राई करते हो तो आप बहुत ही कम बजट में अपना हेयर स्टाइल भी कर सकते हो या साथ में अपना मेकअप भी कर सकते हो। तो कोई भी टाइम वेस्ट किए हमें स्टार्ट करते हैं इसको। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपने देखा मेरे लॉन्ग हेयर है, और लॉन्ग हेयर के लिए कोई हेयर स्टाइल फिक्स ही नहीं होती है। या तो एक जूड़ा बना लो, जूड़ा भी सिंपल सा और कुछ सामने कुछ स्टाइल ही नहीं आ पाता है। तो मैं आपको बताती हूँ बहुत अच्छे ट्रिक, साथ में हम आपके बाल बहुत ज़्यादा अच्छे भी हो जाएंगे, स्मूथ भी हो जाएंगे। तो मैं ऐसे कॉम ले लूँ, कॉम लिया है मैंने। तो हमारी जैसे कि ये बीच की चीज निकली हुई है तो मैं इसको थोड़ा ठीक करूँगी, क्योंकि मेरे बालों में ना ऑयल भी है अभी, और ऑयल के बाद बालों को सही तरीके से लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये नॉर्मल मैंने बीच की लेनी है, आपको बीच ही सूट होती तो आप लीजिए, नहीं तो अदरवाइज आप यही ले लेते, पूरे बाल कवर करते हैं। तो पूरे मैंने पीछे किए। सो स्टार्ट करती हूँ यहाँ से ही, ये हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। ये देखो ये हो चुका है, और मैं इसका एक रोल कर रही हूँ इस तरीके से, थोड़ा सा लूज दीजिए इस तरीके से। एंड ये हमारी पिने हैं, मैंने ये पिने ली हैं, तो अब इसमें ज़रा सा पंच कर दीजिए। फिर ऐसे ही आप हेयर स्टाइल लेना स्टार्ट करो सिंगल, ज़्यादा आपको रोल नहीं करना है, और इसी में हम सब करते जाएंगे। जैसे ये हो गया, आप खुद देखो एक ये हो गया। तो बस कोशिश करिए कि थोड़ा दूर रहे, आप डायरेक्ट एक ही हैंड से कर लो। एंड ये हो गया, थोड़ा सा लूज छोड़ना ताकि ये सही तरीके से बैठ जाए, अदरवाइज नहीं तो ये थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। ये देखो इस तरीके से। सो गाइस, इस तरीके से मैंने इस वन साइड लिया हुआ है, और इसको मैं यहाँ से पिन कर देती हूँ ताकि ये ऐसी सेट रहे। ये हो गया है, अब बारी इस टाइप की। तो चलिए इस साइड हम चलते, थोड़ा सा मैं जूम कर देती हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारे यहाँ का हेयर स्टाइल। तो आप कोम का यूज़ करो, आप हाथ से यूज़ करो, ये आपकी चॉइस है। ये हो गया, और इसको हमने यहाँ पिन किया है। देखो आप, बहुत ही ईजी तरीका है, हल्की सी। अगर आप, चलिए मैं फिर से बताती हूँ, अगर हम इसको ऐसे करके हल्का सा मोड़ दें तो ये ना थोड़ा स्टाइल में आ जाती है। ये देखो, ये हल्का सा राउंड घुमाना है आपको बस। ये हो गया, और हल्का सा राउंड घुमा दो ये, और हल्का सा आप राउंड घुमाओ इसको, और हल्का सा गैप छोड़िए ताकि ये थोड़ा फूला फूला दिखे। और ये हो गई हमारी क्लिप, एंड इसको मैं लगा देती हूँ ऐसे। ये देखो ये हो चुका है स्टाइल, हल्का हल्का हम इसको लूज़ कर देते हैं। और अगर आप चाहो तो इसमें पिन भी कर सकते हो, तो सी रिजल्ट बहुत ही इजी था। आप चाहो तो इसके कॉम के थ्रू भी इसे अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज एक ऐसे रोल घुमाओ, उसको हल्का सा टच दे दो घुमाते हुए, तो बहुत ईजी तरीके से वो सेट हो जाती है। और ये हमारा हो गया है हेयर स्टाइल। देखो अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मैं सेट कर लेती हूँ इसको। ये देखो, और ये पूरा हो चुका है, पूरी तरीके से ये हो चुका है। और अगर आप चाहो तो एक फिर मैं एक और कर देती हूँ ताकि ये निकले ना। ये हो गया, ठीक है, ये हमारा हेयर स्टाइल हो चुका है। अगर आप चाहते हो कि हमें जूड़ा करना है तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये और कुछ जूड़े वाली पिने, और उससे हम इसको सेट करेंगे। अगर आपका मूड है कि मैंने यार आज मैं जूड़ा करके जाती हूँ, तो जूड़े के लिए मैं हेयर स्टाइल बता रही हूँ। तो गाइस, ये मेरा सेट हो चुका है इतना पोर्शन, और हम डायरेक्ट इसको यूज़ कर रहे हैं जूड़े के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं थोड़ा फूला हुआ जूड़ा आ जाए हमारा।
एक रोल और घुमाऊंगी मैं इसमें, तो अब देखिए सो गाइस फाइनली हमारी ये बन चुकी है हेयर स्टाइल। सो कैसी लगी आप ज़रूर विज़िट करिए और वॉच करिए किस तरीके से मैंने बनाई है। अगर आपको थोड़ी भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इस तरीके की न्यू हेयर स्टाइल के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।